आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। प्राधिकरण कार्यालय में देवास गौरव दिवस को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें देवास के लोकप्रिय विधायक श्रीमंत राजमाता साहब के नेतृत्व में हमने 3 दिवसीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय किया है 26, 27 और 28 सितंबर को। इसमें पहले दिन महाआरती के साथ में किसी बड़े भजन गायक की भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। उसके साथ ही हमने एक और निर्णय किया है कि पूरे देवास शहर में हम अपील करेंगे नागरिकों से कि अपने अपने घरों पर दीपक जलाएं और इस गौरव नगर गौरव दिवस को हर घर पर भी मनाएं। ये हमारा 26 तारीख का कार्यक्रम है। 27 तारीख को बड़ी चुनरी यात्रा का आयोजन होगा, जो कुशाभाव ठाकरे स्टेडियम वहाँ से प्रारंभ होकर पूरे एबी रोड पर आकर शंख द्वार पर उसका समापन होगा। वहाँ पर चुनरी की पूजन होगी और उसके बाद में चुनरी माता जी को ऊपर मंदिर पर जाके अर्पित करेंगे। 28 तारीख को तीसरे दिन का कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे देवास की कन्याओं को आमंत्रित करेंगे और कन्या पूजन और कन्या भोजन का ऐसा कार्यक्रम होगा। ये 3 दिन का नगर गौरव दिवस को लेकर कार्यक्रम है। इसमें आज ये भी तय करा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करेंगे और प्रशासन का एक पत्र यहाँ से भेजेंगे और राजमाता साहब भोपाल में मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि नगर गौरव दिवस में सम्मिलित हों और उनको हम 27 तारीख चुनरी यात्रा में आमंत्रित करना चाहेंगे, ऐसा सीएम साहब से आग्रह रहेगा। भैया शहर की आम जनता गौरव दिवस मनाना हम सबके लिए गौरव की बात है। ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक नया कार्यक्रम दिया है, वो पंचायत स्तर से लेकर तो प्रदेश स्तर तक भोपाल तक पंचायत का स्थापना दिवस मनाए, जहाँ हमारी नगर परिषद है वहाँ का स्थापना दिवस मनाए, हमारा देवास नगर निगम का मुख्यालय जिला मुख्यालय तो इसका स्थापना दिवस मनाना है। तो स्थापना दिवस को हमने नगर गौरव दिवस का नाम दिया, तो इसके अंदर पूरे देवास की जनता की सहभागिता हो और देवास का प्रत्येक नागरिक इसके अंदर जुड़े, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन, माननीय विधायक जी, नगर निगम परिषद, महापौर, सभापति जी और प्रत्येक हमारे सभी पार्षद, हम प्रत्येक वार्ड और घर घर तक इसका संदेश पहुंचाएंगे और आग्रह करेंगे कि वो पूरा देवास का प्रत्येक नागरिक इस गौरव दिवस से जुड़े और इस कार्यक्रम में सहभागिता करें। राजमाता साहब और प्रशासन के साथ में देवास का जो गौरव दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, वो देवास का गौरव दिवस मीन्स देवास का स्थापना दिवस है या यूँ मान के चले जन्म दिवस रहेगा। वो तो ये तय हुआ था कि माता जी का जो पहला दिन स्थापना का रहेगा, उस दिन जो 26 सितंबर आ रहा है, तो 26, 27 और 28 सितंबर को 3 दिवसीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पहले दिन महाआरती होगी जो पुलिस परेड ग्राउंड पे होगी, जिसमें हम लोगों की ये तैयारी चल रही है कि कोई एक बड़ा भजन गायक, एक बड़ा कलाकार देवास के बीच में आए और वहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे। और उसी दिन हम देवास शहर के सभी लोगों से, उन सभी की जन भागीदारी, जन सहयोग या फिर उन सभी की जो भावना रहेगी, उस हिसाब से वो घर घर दीप जलाएंगे। तो ऐसा हमारा अभी एक टेंटेटिव प्लान चल रहा है और 27 तारीख के दिन एक बड़ी चुनरी यात्रा, लगभग 1 किलोमीटर की चुनरी लेकर यात्रा निकलेगी। संभवतः उसमें मुख्यमंत्री जी भी शिरकत करेंगे उस कार्यक्रम में, जो स्टेडियम से प्रारंभ होकर और चुनरी यात्रा शंख द्वार तक जाएगी। और 28 तारीख के दिन हम लोग प्लानिंग में है ये करने की कि हम कन्या भोज कराएंगे, एक बड़ी संख्या में कन्या भोज होगा और कन्याओं का पूजन होगा। इस तरीके से 3 दिवसीय गौरव दिवस मनाने की एक टेंटेटिव योजना तय हो गई है।